और बड़ी खबर रांची से। धन्यवाद एडीजी 8 उत्तम आनंद की मौत के मामले में एक नया फैसला आया। व्हाट्सएप इंडिया ने जांच में सहयोग पर अपनी सहमति जताई है। आरोपी लखन वर्मा के व्हाट्सएप चैट की जांच करना चाहती सीबीआई और इसी के लिए व्हाट्सएप इंडिया को इसमें थर्ड पार्टी बनाने का की बात की गई थी, तो पार्टी बनाने की बात की गई थी। पहले चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और सुजीत नारायण की पीठ में इस मामले पर सुनवाई हुई और व्हाट्सएप इंडिया की ओर से कपिल सिब्बल इसमें अपियर हुए थे और उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप इस मामले में सहयोग करने पर अपनी सहमति जता चुकी है। अब चैट के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी कि क्या इस मौत को लेकर पहले से कोई रणनीति बनाई गई थी और इसी में अब व्हाट्सएप इंडिया की ओर से सहयोग करने की बात सामने आ रही है। बता दें आपको कि जज उत्तम आनंद की मौत के बाद से लगातार मामले की जांच चल रही है। पहले पुलिस ने जांच की, फिर मामला सीबीआई तक पहुंचा। सीबीआई भी काफी लंबे समय से इस पूरे मामले में जांच कर रही है। कई एक तकनीकी तरीके से आरोपियों की जांच भी हुई है लेकिन अभी तक नतीजा कुछ नहीं निकला है। और आयुष हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। आयुष, जानकारी चाहेंगे कि व्हाट्सएप इंडिया के सहमति के बाद से अब क्या क्या आगे क्या क्या हो सकता है। जी देखिए बिल्कुल पंकज, एक अनसुलझी गुत्थी के रूप में जो है दिवंगत जज उत्तम आनंद का मामला जो है सामने आया है और हाईकोर्ट क्या कहें, ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था, वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय के रूप में ये है। तो ऐसे में आज जो है व्हाट्सएप इंडिया को जो पार्टी बनाया गया था और उसमें वो व्हाट्सएप इंडिया शामिल हुई हियरिंग में और उन्होंने जांच पे सहमति जताई। बता दें कि जो आरोपी है लखन वर्मा, उनके जो व्हाट्सएप चैट है उसको साक्ष्य के रूप में जो है सीबीआई जांच करना चाहती है। तो ऐसे में पहले उनसे व्हाट्सएप चैट की जानकारी नहीं मिली थी, तब उन्होंने अदालत को यह जानकारी दी थी सीबीआई ने, तब जाकर व्हाट्सएप इंडिया को पार्टी बनाया गया और अब जाकर जो है उन्होंने सहमति जताई है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चैट में क्या खुलकर सामने आता है और क्या सही में जो दिवंगत जज उत्तम आनंद के मामले में आरोपी है या फिर जो कह सकते हैं जिन्होंने उनकी हत्या की है या जो भी है साजिश थी, वो खुलकर सामने आता है कि नहीं। पंकज, तो आयुष, अब जो ये आज छानबीन हुई मतलब चल रही लगातार सीबीआई की, उसमें क्या अब क्या क्या कुछ नया अपडेट उसमें जानकारी मिल पाई कि प्रगति रिपोर्ट जो लगातार दी जाती है अपनी प्रगति की समीक्षा करता हाईकोर्ट, वो उसमें अभी तक क्या क्या पहुंचा? बस यही कड़ी छूट रही है चैट वाली ही। देखिए पंकज, इसमें गौर करने वाली बात है कि सीबीआई अब तक लखन वर्मा और राहुल वर्मा जो दो आरोपी हैं जो ऑटो में बैठे थे जिस समय ये घटना घटी थी, इसके अलावा जो है किसी और पर आरोप मढ़ नहीं पाई। इसके पूर्व जो है सीबीआई ने ये भी प्रयास किया था कि इन पे 302 की धारा लगाकर जो है इन्हें मामले को रफा दफा किया जाए, ऐसा कोर्ट ने कहा था क्योंकि ये स्टीरियो टाइप ये मामला चला आ रहा था, तो ऐसे कोर्ट की टिप्पणी रही थी। तो ऐसे में ये होता कि लखन वर्मा और राहुल वर्मा के बाद अगर किसी अन्य आरोपी को पुलिस पकड़ती, उस पर आरोप तय किए जाते, तब कुछ कहा जा सकता था। हालांकि अब क्योंकि आपको बता दें कि दिवंगत जज उत्तम आनंद मामले में कोर्ट जो है सुनवाई कहीं ना कहीं सीमित कर दी है और प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है सीबीआई की जांच है वो किसी तरह से डिस्टर्ब ना पहुंचे, इसलिए इसको काफी सीमित दायरे में रखा जा रहा है। अब देखना ये हुआ कि क्या कुछ ठोस रूप में निकल कर सामने आता है जब व्हाट्सएप इंडिया सहयोग करती है। पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप जानकारी आपने दी। तो देखिए जिस तरीके से सीबीआई की जांच चले उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अब व्हाट्सएप चैट के जरिए आ सकती है। हालांकि देखिए मौत हुई है और मौत के जिम्मेदार जो दोनों आरोपी हैं वो तो जेल में हैं, लेकिन मौत के कारणों की जानकारी जो है वो सीबीआई ढूंढ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।